हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज हम एक बहुत ही अच्छा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं एंड उसका यूआई भी आप यहां पे देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा एक लैंडिंग पेज आज हम बनाने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है। और यहां पे आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया एकदम। चलो ये बनाएंगे और आज आप ये इस वीडियो को देखने के बाद आज आप ये सीख जाओगे कि इस टाइप के लैंडिंग पेजेस आप भी कैसे बिल्ड कर सकते हो यूजिंग रिएक्ट जेएस की हेल्प से, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि वेबसाइट में क्या है क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे है ऊपर एक नेव बार, ठीक है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ, बेसिकली लोगो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे है लोगो, ठीक है, स्टेप अप, ठीक है। और फिर है बीच में मेन्यू आइटम्स, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और उसके बाद एक कार्ट का बटन, और मैं जैसी कार्ट के बटन पे अपना माउस लेके जाऊंगा तो देखो ये जूम होता है, राइट। एंड ये इफेक्ट बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है। और नीचे आप इसमें एक शैडो भी देख सकते हो जो कि इसको काफ़ी अच्छा बना रही है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक बैकग्राउंड इमेज जो कि काफ़ी सही लग रही है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट, ठीक है, राइट। और यहाँ पे फिर एक पैराग्राफ, और यहाँ पे है बटन, और जब मैं बटन पे माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं सोशल मीडिया आइकन्स पे भी माउस कर्सर लेके जाऊंगा तो ये भी इस तरीके से एनिमेट होंगी, राइट। और यहाँ पे है फिर हमारी मेन इमेज जो कि हमारी शूज़ की इमेज है, एंड ये काफ़ी सही लग रही है, राइट। एंड ये एंड गेस व्हाट, ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव भी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसका साइज़ कम करूँगा आप देखते हुए चलना। ये देखो मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ तो ऊपर देखो नेव बार में, जैसे ही मैंने इसका साइज़ कम किया तो ये टॉगल बन के आ गया, ठीक है। देखो पहले ऐसे था, मैंने ऐसे ही साइज़ कम किया, टॉगल बन के आ गया। मैं जैसे ही इस टॉगल पे क्लिक करूँगा सो मेरी मेन्यू कुछ इस तरीके से आने लगेगी, एंड ये भी बहुत सही लग रही है, राइट। सो मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। तो इसका साइज़ और कम करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज़ ऑटोमेटिक सेट होता हुआ जा रहा है, ये देखो, राइट। और मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी यहाँ पे मेन्यू भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो ये रेस्पॉन्सिव भी है, तो इसको हम फिर से कर लेते हैं इस तरीके से। और चलो यार इसे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं काफ़ी। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फोल्डर बना लूँगा, यहाँ पे मैं नेम डाल दूँगा इसका शूज़ वेबसाइट, ठीक है। और इसे हम कर लेंगे VS कोड में ओपन, ठीक है। और यहाँ मैं करूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा इसे कंप्लीट होने तक। सो गाइस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो इसे कर देते हैं क्लियर, ठीक है। तो अभी कुछ फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, ये जो हमारे काम की फाइल्स नहीं है उन्हें यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए हैं, ठीक है। तो अब इसे हम रन करते हैं npm स्टार्ट। तो यहाँ पे अब हमें ऐड करनी है इमेज, ठीक है। तो देखो मैंने जो src का फोल्डर है ना उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया है assets के नाम से, जिसके अंदर मैंने अपनी इमेजेस रखी हुई हैं, bg.png जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और jordan.png जो ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये जो इमेज है इनकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैं, तो हमें इन इमेज को एक्सेस करना है बेसिकली, ठीक है। सो मैं url पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा .slash, ठीक है। और इसके अंदर हम bg.png को कर लेंगे सेलेक्ट। तो आउटपुट में देख लेते हैं कि ये आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज सेट हो चुकी है, बट ये फिट नहीं आ रही है ना, तो इसको फिट कर लेते हैं। तो मैं बैकग्राउंड सेंटर, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो सेंटर हो चुकी है। इसके बाद है बैकग्राउंड का साइज़ आप कर दो इसका कवर, ठीक है। और बैकग्राउंड अटैचमेंट आप कर दो फिक्स्ड, ठीक है। और पैडिंग राइट आप कर दो 5%, पैडिंग लेफ्ट 3%, ठीक है। बॉक्स साइज़ आप कर दो बॉर्डर बॉक्स, सिलेक्ट डायरेक्शन कॉलम, लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आउटपुट। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो जो हमारी बैकग्राउंड इमेज है वो परफेक्टली स्क्रीन पे सेट हो चुकी है, ठीक है। तो हमने अपना पहला काम कर लिया है, इमेज हमने लगा ली। अब सेकंड टास्क है हमारा, जो ऊपर का नेव बार है ना वो हमको करना है क्रिएट। ये जो आप नेव बार देख रहे हो ना, ये वाला नेव बार, ये हमको करना है क्रिएट, ठीक है। तो चलो ये भी कर लेते हैं। सो हम आते हैं यहाँ पे और हम आते हैं नेव बार .js के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम उससे पहले ही यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं सर्च करूँगा रिएक्ट आइकन्स और यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे न्यू टर्मिनल में जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंटर करते हैं, ऊपर नहीं भाई, यहाँ एंटर करना था। सो यहाँ पे अब जो हमारे रिएक्ट आइकन होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले डिप के अंदर मैं बनाऊँगा एक क्लास जिसका नाम मैं रखूँगा नेव बार, ठीक है। अब ठीक है, तो आउटपुट चेक कर लेते हैं।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बेसिकली टेक्स्ट आप बोल सकते हो, टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। नेव कंटेनर, ठीक है। बटन क्लास नेम, सो यहाँ पे मैंने लिखा नेव एल आई मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा होम, यहाँ पे अबाउट, यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे टेस्टिमोनियल, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार आउटपुट। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा नेव बार है वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलो इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए कार्ट का आइकन, ठीक है। हमने कहा ठीक है, तो कार्ट का आइकन यहाँ से हम रिएक्ट आइकन्स में आते हैं और यहाँ पे मैं कार्ट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे कार्ट के आइकन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला कार्ट का आइकन यहाँ से उठा लेते हैं, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ एफ ए कार्ट प्लस, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा ए, ठीक है। और यहाँ पे हम इस आइकन को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक जिसका नाम मैं डाल देता हूँ कार्ट, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्ट का जो आइकन है ना वो भी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। विड्थ आप कर दो 50%, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, लीनियर इरेडियंट, ठीक है। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा 92.83, चलो परफेक्ट। और बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर दूंगा ये वाला, ठीक है। 30 पिक्सल, RGB है 0, ठीक है। अब इसके बाद पोजीशन, ठीक है। और ट्रांजिशन पैडिंग पे चाहिए, ठीक है। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो अभी आउटपुट में आप देख सकते हो यहाँ पे हमने नेव बार कर लिया है क्रिएट, ठीक है। बट ये आ रहा है अभी सेंटर में, एंड ये हमें चाहिए टॉप पे, पहली चीज़। और सेकंड चीज़, इसके अंदर का जो कंटेंट है ना वो भी अभी हमें स्टाइल करना है, ठीक है। तो चलो वो भी स्टाइल कर लेते हैं। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर, कलर F6, ठीक है। इले फेयर सेरिफ। अब यहाँ पे हमने वही वाली फैमिली, फॉन्ट फैमिली यूज़ करी है जो अभी हमने app.css में इम्पोर्ट करी थी, ठीक है। तो देख लेते हैं, काम कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप में ये इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है, मतलब ये काम कर रही है सही से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस फॉन्ट फैमिली सेम यही रहेगी, ठीक है। सो देख लेते हैं, सो इसमें भी ये चेंज हो गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा नेव कंटेनर, तो ये हो जाएगा डिस्प्ले फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, फ्लैक्स ग्रो 1, पोजीशन, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे सेट हो चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स मार्जिन आप कर दो 0, पैडिंग भी कर दो 0, लाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे काम नहीं किया है, चेक कर लेते हैं क्या गड़बड़ है। अभी हम क्लास डालना भूल गए हैं, सो वो यहाँ पे आएगा नेव लिंक्स, ठीक है। तो अभी ये काम कर जाएगा, ये देखो अभी ये सही से काम कर रहा है, ठीक है। फिर से आते हैं CSS पे, लिंक्स मार्जिन 0, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। कलर वाइट कलर, ठीक है। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल, ठीक है। 600, ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ये भी हमने सेट कर दिया है, ठीक है। अब जो कार्ट वाला है आइकन, इसको भी सेट कर लेते हैं। डॉट कार्ट फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, वाइट, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये भी कलर वाइट हो गया है। अब यहाँ पे एक होवर इफेक्ट था कार्ट के अंदर, तो वो भी ऐड कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, ठीक है। ट्रांजिशन इज इन आउट, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार।
तो मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैं जैसे इस पर माउस कर्सर लेके जाऊँगा तो देखो ये जूम कर रहा है, राइट। तो ये भी हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारा नेव बार है ना, वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है क्रिएट। अब इसके बाद हमें जो मेन कंटेंट है ना, वो करना है क्रिएट, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो मैं आऊँगा content.js पे, और यहाँ पे डिप के अंदर क्लास नेम कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, जॉर्डन स्पेन क्लास नेम, ठीक है, और इसके बीच में आएगा स्टेप अप, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी मेन हेडिंग है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एच वन के बाद यहाँ पे आएगा हमारा पैराग्राफ, ठीक है, एक्सपीरियंस द परफेक्ट सिनर्जी ऑफ स्टाइल एंड कंफर्ट विद शूज, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे क्राफ्टेड फॉर दोस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ भी कर लिया है क्रिएट, अब एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ देख सकते हो, यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ आ चुका है और ये एकदम सही से आया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसके बाद मैं बनाऊँगा डिव, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आएगी बटन क्लास नेम, और यहाँ पर आएगा बाई नाउ, ठीक है। सो बटन देख लेते हैं आउटपुट में। सो बटन भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद डिव क्लास नेम सोशल मीडिया, ठीक है, यहाँ पे हमें अपने आइकन्स को इंपोर्ट करना है फेसबुक, ठीक है। सिंपल हमको उनका ऐसे करके नाम लिखना है, ठीक है, और इनका नाम लिखने से पहले इन्हें इंपोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इन्हें इंपोर्ट भी कर लिया है, अब हम इन्हें यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब फेसबुक की जगह आ जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं आउटपुट में आया नहीं आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया आइकन्स है ना, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसे स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं आऊँगा content.css पे, और यहाँ मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन पैडिंग 50 पिक्सल हाइट आप कैलकुलेट करना वर्थ आप कर दो फुल 100% बॉक्स साइजिंग आप कर दो बॉर्डर बॉक्स पोजीशन कर दो रिलेटिव, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा नेव बार है ना, वो ऊपर सेट हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे ये कंटेंट हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डॉट टेक्स्ट कंटेंट मैक्सिमम विड्थ 50%, ठीक है, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, ठीक है, फॉन्ट वेट 800, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग हमारी इस तरीके से आ चुकी है, ठीक है। अब जो इसकी सेकंड वाली होती है हेडिंग, उसे हम सेट कर लेते हैं h1.style, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इसके बाद इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं 150 पिक्सल कर सकते, ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं, तो ये भी हमारे यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा पैराग्राफ फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कलर आप कर दो वाइट ओपेसिटी रखना आप 0.8 मार्जिन टॉप रखना आप 20 पिक्सल, ठीक है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे सेट हो चुका है जो पैराग्राफ था वो। अब जो बटन है वो सेट कर लेते हैं लाइन आइटम सेंटर फ्लेक्स स्टार्ट 40 पिक्सल का, ठीक है। तो देख सकते हो आप हमारे बटन और ये आइकन्स एक ही लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब इनकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डॉट बटन ये हमारी सेम है जो हमने app.css में सेट की थी, सॉरी app.css में नहीं navbar.css में सेट की थी। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बटन में बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद बॉर्डर रेडियस 80 पिक्सल बॉर्डर नन f6, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर्सर पॉइंटर सांसरिफ, ठीक है,
फोन साइज 20 पिक्सल, ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं। चलो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है लाइन पे। आगे करते हैं, पैडिंग दे दिया अब हमने इसमें। टेक्स्ट लाइन आप कर दो सेंटर। ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 0.4s और साथ में एज इन आउट, ठीक है। और अब बॉक्स साइड यहाँ पे सेट कर लेते हैं, RGB है 213 102.5, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे आप बटन देख सकते हो, बटन यहाँ पे हमारी एकदम सेम टू सेम हमने बना लिया, ठीक है। अब इसमें हमको होवर इफेक्ट ऐड करना है तो वो भी कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज नन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.1, ट्रांसलेट वाई -5 पिक्सल, ठीक है, नन, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब मैं जैसे ही बाई नाउ बटन पे माउस कर्सर लेके जाऊंगा, ये देखो हमको यही इफेक्ट चाहिए था ना, तो ये इफेक्ट हमारा बन चुका है, ठीक है, परफेक्ट। सेम चीज़ हम जो हमारे सोशल मीडिया आइकन से उनके साथ भी करते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है, कलर, ठीक है, ऑरेंज कलर, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, 213 102 120.7, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और इसमें आप बॉक्स एडो में भी डाल दो, ठीक है, बॉक्स एडो एज इन आउट, ठीक है। चलिए अब आते हैं, आप चेक कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे ये सोशल मीडिया आइकन्स भी हमने कर लिए हैं सेट, अब इनको हम सेंटर में भी कर देते हैं, ठीक है। सो मैं डिस्प्ले कर दूंगा इसका फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो अब ये सेंटर में भी आ चुके हैं, ठीक है। अब इस पर हम ओवर इफेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ओवर, ठीक है। कलर, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, बॉक्स शैडो नन, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, परफेक्टली काम कर रहा है ओवर करने पे। और सोशल मीडिया आइकन्स पे क्लिक करूँगा तो भी परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच में गैप थोड़ा कम है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो फुटर में मैं आऊँगा और गैप में कर दूँगा 20 पिक्सल की जगह 40 पिक्सल, ठीक है। सो इनके बीच में अब गैप भी भर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारी लेफ्ट वाली साइड थी वो हमने कर ली है। अब यहाँ पे हमें चाहिए इमेज, तो उसे भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं आऊँगा content.js पे, और यहाँ पे मैं आऊँगा यहाँ पे, और क्लास नेम ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाल देते हैं, जॉर्डन शूज, ठीक है, SRC में कि हमें इमेज कहाँ से पिक करनी है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा जॉर्डन इमेज, ठीक है। अब जॉर्डन इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, जॉर्डन इमेज, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो हमारी इमेज है ना वो भी इंपोर्ट कर लिया, चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी सूज की इमेज भी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब इसे सेट कर लेते हैं, तो मैं आऊँगा content.css पे, तो विड्थ कर दो उसकी 50%, 750 पिक्सल, हाइट आप कर दो ऑटो, फिल्टर लगाओ आप और शैडो, ठीक है, शैडो आप कर दो 0 पिक्सल, 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, RGB है 0.5, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सूज है ना वो भी यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। सो अब वैसे तो देखा जाए तो हमारी वेबसाइट बन चुकी है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारा काम बाकी है, इसकी रेस्पॉन्सिवनेस करना बाकी है, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर मैं आपको इसे रेस्पॉन्सिव करके दिखाऊँ, ये देखो, अगर मैं आपको इसे रेस्पॉन्सिव करके दिखाऊँ, सबसे पहले जो ऊपर का नेव बार है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड उसकी वजह से ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये भी हमारा रेस्पॉन्सिव नहीं है, ये वेबसाइट बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो अब हमें इसे रेस्पॉन्सिव करना है, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं navbar.js पे, बिकॉज हमें यहाँ पे वो टॉगल वाला इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। टॉगल वाला इफेक्ट कौन सा, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा,
और मैं इसका साइज कम करूँगा, तो ये देखो ये आपको टॉगल वाला वो दिख रहा है बटन, तो यहाँ पे जो मेन्यू है ना वो हट के जब यहाँ पे टॉगल वाला ये बटन आया है, ठीक है, तो हमें ये करना पड़ेगा क्रिएट, राइट। तो चलो ये करते हैं क्रिएट। तो मैं आऊँगा navbar.js के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट navbar के अंदर मैं एक यूज स्टेट इस मेन्यू ओपन सेट इज मेन्यू ओपन यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट आप कर दो इसे फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो मेन्यू होगी वो पूरी ओपन होके आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज स्टेट इसलिए यूज़ किया है बिकॉज जब पार्टिकुलर विड्थ से पार्टिकुलर स्क्रीन साइज कम होगा वहाँ पे हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, वहाँ पे हमारी मेन्यू हटके वहाँ पे वो टॉगल स्विच हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें टॉगल स्विच है ना उसके लिए हमें आइकन्स यूज़ करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, रिएक्ट आइकन से, ठीक है। तो वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे भी मैं यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उस आइकन का नाम होगा एफ ए बार्स, ठीक है, और एफ ए टाइम्स, तो ये कर लिया हमने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेबर वाली वो है ना क्लास ये कब इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। सो इसे मैं यहाँ से पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो नेबर है ना नेबर वाली वो है क्लास, उसमें आप ये करो कि आप उसमें चेक करो इस मेन्यू ओपन, तो आप मेन्यू ओपन वाली जो वो है ना क्लास वो इसमें लगा दो, तो आप इसमें ये जो नेबर वाली क्लास है वही लगा दो, ठीक है, हमने कहा ठीक है। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये जो नेव कंटेनर है ना इसके अंदर क्लास नेम ऑन क्लिक मेन्यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन बना दिया, टॉगल मेन्यू, ठीक है। अब इस ये जो फंक्शन है इसके अंदर क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है, सेट इज मेन्यू ओपन, इस मेन्यू ओपन को फॉल्स कर दो, ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। तो अब हम आते हैं नेव लिंक्स पे, ठीक है, ठीक है, हम आते हैं बटन के, अब ठीक है टॉगल मेन्यू हो गई इस मेन्यू ओपन। सो मैंने आप पे सिंपली क्या किया है, मैं एक बटन बना रहा हूँ और उस बटन में ये चेक कर रहा हूँ कि अगर हमारा टॉगल वाला आइकन ओपन है तो आप उस पर क्लिक करके उसको बार में चेंज कर दो, और अगर हमारा बार वाला आइकन ओपन है आप उसको टॉगल में चेंज कर दो, समझे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अब जैसे ये टॉगल वाला आइकन ओपन है, ठीक है, तो अब मैं जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये केरोस वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास टॉगल वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ हमने ऐड की है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो अब इससे आगे देखते हैं, अब मैं आऊँगा नेव लिंक्स में, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप नेव लिंक्स में क्या करो, नेव लिंक्स इसमें भी आप चेक करो इस मेन्यू ओपन अगर है तो आप इसमें ओपन वाली क्लास ऐड कर दो, ठीक है, अदरवाइज आप इसे एम्प्टी कर, अदरवाइज इसमें नेव लिंक्स वाली क्लास है उसी को रहने दो, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे, और मैं एक और इसमें क्लास नेम में डाल दूँगा क्लोज मेन्यू, ठीक है, इसमें मैं डालूँगा और ऑन क्लिक में आप टॉगल मेन्यू वाला ही फंक्शन यहाँ पे डाल दो, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार इसको चेक करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो टॉगल वाला आइकन है ना वो यहाँ पे आ चुका है, ये देखो आपको दिख रहा है टॉगल वाला आइकन यहाँ पे आ चुका है, और जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये केरोस वाला आइकन आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा टॉगल है वो हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब हमें क्या करना है कि जब एक पार्टिकुलर विड्थ से हमारी वेबसाइट उसका स्क्रीन साइज कम हो तब ये जो मेन्यू है ये यहाँ से हो जाए गायब, और ये जो टॉगल स्विच है ये यहाँ पे आ जाए, एंड बाय डिफॉल्ट जब हमारी वेबसाइट फुल साइज पे है हमारा टॉगल हमको सो ना हो, ठीक है। तो ये हमें कुछ करना है, ठीक है, तो चलो करते हैं। तो मैं आऊँगा navbar.css के ऊपर, और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप डिस्प्ले क्या कर दो नन, तो इससे क्या होगा बॉर्डर भी आप कर दो इसमें नन, ठीक है, कलर आप सेट कर दो इसका वाइट, कर्सर आप कर दो पॉइंटर, फॉन्ट साइज आप कर दो 24 पिक्सल, जेड इंडेक्स आप कर दो इसका, तो अब हम आते हैं सबसे नीचे, और यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ मैं लिखूँगा @ 1244 पिक्सल से कम होती है तो क्या होगा, तो ये होगा कि डॉट वो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और डॉट नेव कंटेनर की विड्थ हो जाएगी 100%, जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा सेंटर, डॉट नेव लिंक्स में डिस्प्ले हो जाएगा नन,
ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी कॉलम, ठीक है। विड्थ आप कर दो इसकी 50%, ठीक है। गैप आप कर दो 0, मार्जिन टॉप आप कर दो 10 पिक्सल। बैकग्राउंड इमेज हम सेट कर लेते हैं, इसमें वही सेम हमको सेट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। पोजीशन आप कर दो एब्सोल्यूट, टॉप आप कर दो 100%, लेफ्ट आप कर दो 23%, 20 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल, बॉक्स शैडो आरजीबी है और 0.7, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो देखो अभी इसका साइज़ है 1486, ऊपर देख रहे हो आप साइज़ 1486। तो ये जैसे ही 1244 से कम होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जैसे ही 1244 से कम होगा, ये देखा आपने, जैसे ही इसका साइज़ 1244 से कम हुआ, हमारे मेन्यू आइटम्स यहाँ से गायब हो गए ना गायब। ओके परफेक्ट, चलो आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ पे आप कर दो नेव लिंक्स डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डॉट नेव लिंक्स LI, मार्जिन पोजीशन कर दो एब्सोल्यूट, टॉप से 20 पिक्सल, राइट से भी 20 पिक्सल, ठीक है। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, जेड इंडेक्स, और मेन्यू टॉगल में मैं यहाँ पे डॉट ओपन लिख दूंगा, और इसके बाद फॉन्ट साइज आप इसमें कर दो 10 पिक्सल का, और फिर से बना लेते हैं एक और, ये कर देते हैं 1024 के लिए। इसमें डॉट नेव बार रखो आप, इसमें रखो पैडिंग और 20 पिक्सल, ठीक है। तो चेक करते हैं हम एक बार, ठीक है। तो एक बार इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा टॉगल सेट हो चुका है एकदम परफेक्टली, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मेरी मेन्यू कुछ इस तरीके से सो होने लग जाएगी, ठीक है। और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से हट जाएगी, और मैं इसका साइज़ अगर बढ़ाऊँगा तो मेरा जो पहले वाला मेन्यू था सिंपल वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं जैसे ही इसका साइज़ कम करूँगा तो ये देखो इसका टॉगल आएगा, और मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा तो हमारा मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसका साइज़ और कम करता जाऊँगा और कम करता जाऊँगा तो मेरा यहाँ पे ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो अब हमने जो इसका नेव बार है उसको हमने रेस्पॉन्सिव कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा नीचे वाला मेन टेक्स्ट है इसे रेस्पॉन्सिव करना है, ठीक है। सो लेट्स गो, हम आएंगे content.css पे, ठीक है, और मैं आऊँगा सबसे नीचे, और यहाँ मैं डाल दूँगा एक कमेंट रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा @media, फ्लेक्स डायरेक्शन आप कर दो कॉलम, अलाइन कर दो सेंटर, ठीक है, 100%, मार्जिन बॉटम आप कर दो 20 पिक्सल, ठीक है। H1 इसका फॉन्ट साइज आप कर दो 5BW, ठीक है, 8BW, ठीक है। पैराग्राफ इसका फॉन्ट साइज आप कर 3BW, ठीक है, 20 पिक्सल, ठीक है। और डॉट सोशल मीडिया फॉन्ट साइज 3BW 6 पिक्सल, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं जैसे ही 1024 से कम पे गया इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज हो गया सारा, ठीक है। तो चलो इसे और सेट कर लेते हैं। अब इसे हम सेट करते हैं @media H1 फॉन्ट साइज 5BW H1.style 8BW, और ये भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं हमको, बेसिकली इनको हम थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं। पैराग्राफ आप कर दो 3.5, ठीक है, और बटन का फॉन्ट साइज आप कर दो 3.5BW, और सोशल मीडिया को सोशल मीडिया सेम ही रहने दो, ठीक है। अब इसको एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पे ये कर दो 480 पिक्सल के लिए, H1 आप कर दो 6, फॉन्ट साइज आप कर दो ये कर दो आप 9, और पैराग्राफ की हमें नीड नहीं है अब, और बटन आप कर दो 8 पिक्सल और 16 पिक्सल, और फॉन्ट साइज आप कर दो 4.5, और इसमें आप कर दो 4BW, ठीक है, और पैडिंग आप कर दो 5 पिक्सल, ठीक है। और अब नीचे इमेज का साइज़ भी कम कर लेते हैं, तो इसकी विड्थ आप कर दो 80%। तो अभी बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो मैं जैसे ही इसका साइज़ कम करूँगा, ये देखो मैं इसका साइज़ कम कर रहा हूँ, तो ये कंटेंट भी ऑटोमेटिक सेट होता जा रहा है, राइट, ये देखो, राइट। अभी आप देख सकते हो ये वेबसाइट हमारी फुली रेस्पॉन्सिव है, एंड जो हमारा टॉगल वाला आइकन है वो भी यहाँ पे आ रहा है, एंड ये देखो ये काफ़ी सही से आ रहा है, राइट, और ये कुछ इस तरीके से हमारा काम कर रहा है, ठीक है। सो गाइज फाइनली हमने यहाँ पे अपनी
वेबसाइट कर ली है क्रिएट और मैंने सारे कॉन्सेप्ट सारे स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताए थे। सो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। सो जो भी इमेज वगैरह की लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और आप भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ, बिकॉज आप ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होंगे, राइट। सो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। और आपको आगे किस टाइप की वीडियोज चाहिए वो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।